जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक राशिफल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे साल 2021 के 10वें महीने यानी अक्टूबर के बारे में और जानेंगे कि आपकी राशि के लिए अक्टूबर का महीना हर लिहाज से, पारिवारिक जीवन हो, चाहे प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, छात्रों के लिए, आपके पैसे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, करियर व्यवसाय के लिए, हर प्रकार से कैसा रहेगा, हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। यकीन मानिए, कोई भी चीज़ें मिस नहीं होंगी और अगर कोई परेशानी आती है तो उसको दूर करने के लिए आपको आसान उपाय भी देंगे, ज्योतिषीय उपाय। इसके अलावा अगर आपके जीवन में इन उपायों के बाद भी परेशानियां रहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रो सेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां क्लिक करके आप हमसे किसी भी समय बात कर सकते हैं। हमारे पैनल पर देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं, जो आपकी हर एक समस्या का मिनटों में आपको समाधान देंगे। चाहे किसी भी भाषा में आपको जानकारी चाहिए हो, किसी भी पद्धति में जानकारी चाहिए हो, हमारे पैनल में हर पद्धति, हर भाषा के जानकार ज्योतिषी मौजूद हैं, तो एस्ट्रो सेज वार्ता पर आपकी हर एक समस्या का समाधान है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अक्टूबर महीने में कौन कौन से 30 त्योहार होने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। 2 अक्टूबर शनिवार को है इंदिरा एकादशी, 4 अक्टूबर सोमवार को है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, 6 अक्टूबर बुधवार को है अश्विन अमावस्या, 7 अक्टूबर गुरुवार को है शरद नवरात्रि और घट स्थापना इसी दिन होगा, 11 अक्टूबर सोमवार को है कल्प्रम, 12 अक्टूबर मंगलवार को है नवपत्रिका पूजा, 13 अक्टूबर बुधवार को है दुर्गा महाअष्टमी पूजा, 14 अक्टूबर गुरुवार को है दुर्गा महानवमी पूजा, 15 अक्टूबर शुक्रवार को है दुर्गा विसर्जन, दशहरा, शरद नवरात्रि पारणा, 16 अक्टूबर शनिवार को है पंपा कुशा एकादशी, 17 अक्टूबर रविवार को है प्रदोष व्रत और तुला संक्रांति, 20 अक्टूबर बुधवार को है अश्विन पूर्णिमा व्रत और 24 अक्टूबर रविवार को है संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ। तो ये 30 त्यौहार आपको जो है अक्टूबर के महीने में मिलने वाले हैं। जब जब ये त्यौहार आने वाले होंगे तो उससे पहले हम अपने चैनल पर आपको इस त्यौहार से जुड़ी सारी जानकारियों से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करके देंगे। जी हाँ, जिसमें होगा कि क्या मुहूर्त होगा, कैसे पूजा विधि रखनी है, किन राशि वालों को किस प्रकार पूजा करनी है, तमाम जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से हम जो है कोई भी व्रत आने से पहले या फेस्टिवल आने से पहले हम आपको उसको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। बाकी आप भी कमेंट करके बताइएगा कि किन जो है आपको जो है 30 त्योहारों के बारे में और भी विशेष तौर पर जानकारी चाहिए, तो आप भी कमेंट क्या कीजिए। बाकी अब जान लेते हैं कौन कौन से अक्टूबर माह में ग्रहों का गोचर होगा। तो 2 अक्टूबर को शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर होगा, 2 अक्टूबर को एक और गोचर है बुध का कन्या राशि में, यानी दो बड़े ग्रहों का गोचर अक्टूबर की शुरुआत में ही होने वाला है। 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर होगा, 22 अक्टूबर को मंगल का तुला राशि में गोचर होगा और 30 अक्टूबर को शुक्र का धनु राशि में गोचर होगा। तो ये आपको गोचर जो है होने वाले हैं बड़े ग्रहों के, तो इन्हीं को जो है आधार मानकर हमने पूरा ये राशिफल तैयार किया है। क्या प्रभाव डालेंगे, कैसा प्रभाव डालेंगे, जब जब ये गोचर होने वाला होगा तो गोचर का राशिफल भी हमारे चैनल पर अपलोड होता है। करना बस आपको इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। ना सिर्फ ये जानकारियां बल्कि हर शाम को 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसके माध्यम से मैं आपको जानकारी देती हूँ हर दिन कैसा जो है आपका बीतेगा, कैसे उसको अच्छा बनाने के लिए किन रंगों का इस्तेमाल करना है, अंकों का इस्तेमाल करना है, क्या उपाय करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या शुभ मुहूर्त है, किस दिशा में यात्रा नहीं करना, तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में भी देती हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन हमारे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसके मिलते रहेंगे। बाकी अब जानते हैं अक्टूबर का महीना है कि अक्टूबर महीने में जन्मे जातक कैसे होते हैं स्वभाव से। तो अगर आपका जन्म किसी भी साल के अक्टूबर महीने में हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप बहुत ही शांत किस्म के प्राणी हैं, दिखने में इतने स्मार्ट होते हैं कि लोगों को आपसे ईर्ष्या हो सकती है। आरंभिक अवस्था में आपका आकर्षण कुछ कम हो सकता है, मगर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके सौंदर्य और सेहत में सुधार आता जाता है। विश्वास कीजिए, ये सुधार इतना आता है कि आपको चाहने वालों की कतार बढ़ने लगती है। आप अपने आसपास एक रहस्यमय घेरा बनाकर रखते हैं, आपके दायरों को तोड़ना हर किसी के बस में नहीं, हर किसी से आपकी दोस्ती हो भी नहीं सकती। आपका व्यक्तित्व राजसी होता है, हर चीज़ को नफासत से करना आपकी खूबी होती है। आपको अस्त व्यस्त रहना पसंद नहीं होता। अगर अक्टूबर में जन्मे होकर आप हाल बेहाल रहते हैं तो आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मावलोकन करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने आप को अब तक पहचाना ही नहीं है। खूबसूरत रहने और खूबसूरत दिखने में अंतर है, आप खूबसूरत रहने वालों में से हैं। भले ही आपके नाक नक्श साधारण हो, मगर कुछ ऐसी प्रबल आकर्षण शक्ति आप में होती है
कि खुद को अनूठे अंदाज में पेश कर आप सबका दिल जीत लेते हैं। आप में मुसीबतों से उबरने की ताकत भी लाजवाब होती है। घोर निराशा के दौर से भी आप बार बार निकल आते हैं। किसी भी मुद्दे पर तुरंत रिएक्शन देने से आप बचते हैं। अपनी बात को समय अनुसार नाप तौल कर कहना आपकी पहचान है। शब्दों को बर्बाद नहीं करते, पर शब्दों को सही वक्त पर सही ढंग से रखने में आपका जवाब नहीं। अक्टूबर में जन्मे कुछ युवा रिश्तों की राजनीति में माहिर होते हैं। आप में किसी बात को गहराई से समझ लेने की विशेष योग्यता होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी शार्पनेस से भी लोगों को जलन होती है। प्यार के मामले में आपका कोई सानी नहीं। अपने साथी को डूबकर और टूटकर चाहना कोई आपसे सीखे। अक्सर आपका प्यार सफल नहीं होता, लेकिन आपके टूटे दिल की आवाज आपके घर के लोग भी नहीं सुन पाते। प्यार में रोना चीखना आपको पसंद नहीं। अगर आपका ब्रेकअप होता है तो बेहद शालीनता से आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, बजाय प्रतिपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के। सारी दुनिया भी आपके प्यार को पहचान ले, तब भी आपके जुबान पर सात ताले ही लगे रहते हैं और आपको सामने वाले के सम्मान का इतना ख्याल होता है कि नींद में भी आप उसका अहित नहीं सोच सकते। आपके लिए अगर बात करें करियर की, तो टेक्नोलॉजी, राजनीति, कला, अभियान, बिजनेस या मेडिकल जैसे क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। यह बात भी माननी होगी कि आप अपने क्षेत्र में शिखर तक पहुंचकर ही दम लेते हैं, निरंतर श्रेष्ठता के सपने देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अक्टूबर में जन्मी कन्याएं गरिमामय सौंदर्य के मालिका होती हैं। इनकी आंखें इतनी गहरी और खूबसूरत होती हैं कि कोई भी इनमें डूबकर सब कुछ भूल जाए तो अचरज की बात नहीं। मन की थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होती हैं, लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं करती। प्यार के मामले में जितनी गहरी होती हैं उतनी ही नादान भी। गहरी इन मायनों में कि जिसे चाहती हैं दिलो जान से चाहती हैं, सामने वालों की कमियों को नजरअंदाज करके चाहती हैं, लेकिन अगर ब्रेकअप हो जाए तो जल्दी जल्दी किसी से भी जुड़ने की नादानी कर बैठती हैं और जीवन भर का गम पाल लेती हैं। इनमें आत्मविश्वास गजब का होता है, लेकिन मन में किसी न किसी पर निर्भर बने रहना चाहती हैं। इन्हें सलाह है कि थोड़ा सवाद बढ़ाइए, सही और गलत दोस्तों को पहचानिए, यानी अक्टूबर वालों को यही मैं आपको सजेशन दूंगी। कम्युनिकेशन थोड़ा अपना बढ़ाइए, लोगों की पहचान करना सीखिए, प्रतिभा का शोषण मत होने दीजिए, स्वयं को खूबसूरत बनाकर रखिए, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पर पूरा आपको अपने ध्यान देना चाहिए। आपके लिए लकी नंबर हो सकता है 2, 6, 7, 8। लकी कलर की बात करें तो चटक मेहरून, पिकॉक ग्रीन, रॉयल ब्लैक आपके लिए जो है वो हो सकता है लकी कलर। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार आपके लिए लकी हो सकता है। लकी स्टोन आपके लिए डायमंड हो सकता है। और अगर आपको हम एक सुझाव दें कि कैसे आप अक्टूबर में जन्मे जातक एक जो है उपाय है, ज्योतिषीय उपाय, ये हर कोई कर सकता है जो भी अक्टूबर में जन्मा है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। आपको किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का जिम्मा उठाएं और स्टेशनरी का सामान गरीब बच्चों को दान करें, ये आपके लिए है। तो अक्टूबर के लोग जो अक्टूबर में जन्मे हैं, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई जानकार है तो आपको अब पता चल जाएगा कि वो किस नेचर का है, क्योंकि हर हमारी लाइफ में हर इंसान के किसी न किसी जानने वाले का जन्म तो अक्टूबर में होता ही है। तो अगर आपको ये सब बातें पता है तो आप उनके साथ एक बेहतर रिश्ता बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। तो अब बारी आपके राशिफल की, जानने की कि आपकी राशि के लिए हर लिहाज से अक्टूबर का महीना कैसा है। तो वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले, इस महीने में जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है या कोई खास दिन है, उनको उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके अलावा जो भी तीज त्यौहार आने वाले हैं उसके भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए अक्टूबर का महीना। तो बात करते हैं इस वीडियो में वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं सबसे पहले करियर और व्यवसाय के लिहाज से आपका अक्टूबर का महीना कैसा है। तो वृश्चिक राशि के जातकों का महीना करियर के लिहाज से उत्तम है। खासकर माह का पूर्वार्ध तो शानदार रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, संस्थान में उनका महत्व तो बढ़ सकता है। उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में तरक्की की भी संभावनाएं बन रही हैं। आपकी कार्य क्षमता से प्रसन्न होकर आपका संस्थान जो है आपके पदों को पदोन्नति कर सकता है, पद को बढ़ा सकता है, काम को बढ़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी माह का पूर्वार्ध काफी अच्छा साबित होगा। काम धंधे का विस्तार हो सकता है, उसी के अनुरूप लाभ के अवसर भी मिलेंगे। कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूरी योजना के साथ ही नया काम शुरू करें, नहीं तो अति उत्साह में नुकसान भी हो सकता है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे जो भविष्य में लाभप्रद साबित हो सकते हैं। स्वरोजगार करने वालों का भी समय अच्छा है, रोजगार में बरकत होगी। हालांकि माह के उत्तरार्ध में थोड़ी समस्याएं आ सकती है, लेकिन चिंतित होने की जरूरत नहीं है। माह के उत्तरार्ध में काम के सिलसिले में दूरस्थ स्थानों की यात्रा हो सकती है, विदेश जाना भी हो सकता है, इन यात्राओं से लाभ होगा। कुल मिलाकर इस माह आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा, बस उत्तरार्ध में थोड़े धैर्य और विवेक से काम लेने की जरूरत है। तो ये जाना हमने कि करियर व्यवसाय के लिहाज से कैसा है। अब बारी स्टूडेंट्स की, कि जो वृश्चिक राशि के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा है। तो
वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी नरम रहेगी, पढ़ाई लिखाई में व्यवधान आ सकते हैं, एकाग्रता में कमी रह सकती है और मन विचलित हो सकता है, लेकिन मन छोटा ना करें। अक्टूबर का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छे समाचार लेकर आएगा, पढ़ाई लिखाई पटरी पर आ जाएगी, बल्कि यूं कहें कि दौड़ना शुरू कर देगी। इसमें आपकी कुंडली में ग्रह के गोचर जो है ये संकेत दे रहे हैं ग्रह गोचर की, माह के उत्तरार्ध में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, इससे मन में प्रसन्नता का संचार होगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए भी माह का उत्तरार्ध काफ़ी अच्छा रहेगा। जो युवा हैं विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए माह की शुरुआत का समय जो है काफ़ी अच्छा है। इस दौरान आपका सपना साकार होना जो है संभव है। अगर इन दिनों में किसी कारण से काम नहीं बन पाया तो लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, बेहतर यही रहेगा कि माह की शुरुआत में ही आप अपने प्रयासों को उच्चतम स्तर तक ले जाइए। अब बारी पारिवारिक जीवन की, तो वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर के महीने में अगर फैमिली लाइफ पर नजर डाली तो कुंडली के ग्रह गोचर की जो स्थिति है उसके हिसाब से यह समय पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। परिवार के लोगों के बीच सौहार्द जो है पूर्ण व्यवहार करेंगे, एक दूसरे से आपसी तालमेल बढ़िया रहेगा, माहौल खुशनुमा रहेगा। संतान है तो उनकी ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, घर परिवार में कोई आयोजन हो सकता है जो आपके आनंद में वृद्धि करेगा। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में न्यायप्रिय ग्रह शनि और देवगुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, दोनों ग्रहों का यह योग आपके भाई बहनों के लिए अच्छा है। इस योग की वजह से उनके साथ आपके संबंधों में सुधार होगा, संबंध पहले से बेहतर होंगे, आपको भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। ग्रहों की अच्छी स्थिति के कारण आपके माता पिता के स्वास्थ्य के लिए माह का पूर्वार्ध काफ़ी बढ़िया रहेगा, वे स्वस्थ रहेंगे और अगर उनको पहले से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो उनमें भी सुधार होगा। हाँ, माह का उत्तरार्ध माता पिता के लिए थोड़ा मध्यम रह सकता है, उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखिए। अब बारी प्रेम और वैवाहिक जीवन की, कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का की लव लाइफ और मैरिड लाइफ, तो यह माह वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक नहीं रहेगा। खासकर माह के पहले पखवाड़े में तो प्रेम संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके पांचवें भाव पर सूर्यदेव और मंगल का प्रभाव है, दोनों गर्म ग्रह जो है ग्रह गर्म मिजाज वाले हैं, जिसकी वजह से साथी के साथ आपका मतभेद हो सकता है, रिश्तों में कटुता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ ही 2 अक्टूबर को बुध वक्री अवस्था में 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यह स्थिति कटुता को और बढ़ाएगी। आपकी अपने साथी से बातचीत भी बंद हो सकती है, इस जो है अबोलेपन की परिणति संबंध विच्छेद के रूप में हो सकती है। अगर रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो धैर्य रखना पड़ेगा। माह के उत्तरार्ध में सूर्य और मंगल का गोचर परिवर्तन होगा और वे 5वें भाव से 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, इस परिवर्तन से कुछ अनुकूलता आएगी और संबंधों में सुधार होगा। मैरिड लोगों की बात करें तो यह माह बहुत अच्छा है, सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति है जो रिश्ते में मधुरता घोलेगी, जीवन साथी से पटरी अच्छी बैठेगी, विचारों में तालमेल रहेगा जिससे वैवाहिक जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे आप। 2 अक्टूबर को शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और उनकी दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी, शुक्र काम और सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं, कुंडली में उनकी ऐसी अवस्थिति से पति पत्नी के रिश्ते में आकर्षण बढ़ेगा, रोमांस का मौसम बनेगा, किसी मनोरम स्थान की यात्रा भी हो सकती है। अब बारी आपके पैसों की, वृश्चिक राशि वालों का आर्थिक जीवन कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में, तो बहुत अच्छा रहने वाला है ये महीना आपके लिए। खासकर महीने के पूर्वार्ध में आपको हर तरफ से लाभ होगा, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, व्यवसायी हैं या स्वरोजगार करते हैं, आपकी कुंडली में लाभ के योग हैं। आपकी कुंडली में 11वें भाव में सूर्य और मंगल की उपस्थिति है जो ज्योतिष के अनुसार काफ़ी लाभकारी स्थिति मानी जाती है। अगर कोई सरकारी काम करते हैं यानी ठेकेदारी करते हैं या विभिन्न विभागों की सेवाओं में हैं तो आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। सरकारी या निजी नौकरी करते हैं तो आय के कुछ अतिरिक्त साधन बन सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कहीं फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, घर के बुजुर्गों से धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी पारिवारिक संपत्ति से आय के स्रोत बन सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है, खर्चों में वृद्धि हो सकती है, अचानक कोई खर्च सिर पर आ सकता है। अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो समय ठीक है, लेकिन निवेश करना हो तो लंबे समय के लिए करें, उसी में लाभ मिलेगा, अल्पकालीन निवेश से कोई फायदा नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में सोच समझ कर खर्च करें। अब बारी है वृश्चिक राशि वालों के हेल्थ की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्टूबर का महीना आपके लिए मिला जुला है। महीने की शुरुआती दिन स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हैं, आप स्वास्थ्य और जो है के मामले में तरोताज़ा महसूस करेंगे, शुरुआती दिनों में किसी प्रकार की बीमारी के योग नहीं दिखते हैं, लेकिन माह के उत्तरार्ध में ग्रह गोचर में परिवर्तन होगा, सूर्य और मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में होंगे, दोनों ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देगी, आंखों में दर्द हो सकता है, नींद की समस्या से भी परेशान रह सकती हैं, इसकी वजह से शरीर में सुस्ती रहेगी और अपने कामों को पूरे जोश के साथ नहीं कर पाएंगे, चोट लगने की भी आशंका है, हाथ पैर में मोच आ सकती है, डॉक्टर और दवाइयों पर खर्च बढ़ सकता है, इसीलिए माह के उत्तरार्ध में अपने और परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।
सही दिनचर्या रखें, पौष्टिक खान पान अपनाएं, सक्रियता बनाए रखने की कोशिश करें। उपाय जान लेते हैं क्या करना है अक्टूबर को बहुत अच्छा बनाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को, ज्योतिषीय उपाय। तो पहला उपाय है, मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चना बांटें, ये आपके लिए लाभकारी है। दूसरा उपाय, मंगल देव के बीज मंत्र का जाप मंगलवार से शुरू करके प्रतिदिन करें। तीसरा उपाय, अपने भाइयों से अच्छे संबंध रखें और उनको संभव हो तो उनकी पसंद की कोई वस्तु भेंट करें। चौथा उपाय, रविवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करें। और पांचवा उपाय है कि बृहस्पतिवार के दिन भूरी गाय को चने की दाल खिलाएं। तो ये पांच उपाय अगर करते हैं तो कुछ समस्याएं आपसे दूर चली जाएंगी। तो जाना हमने इस वीडियो में कि कैसा रहेगा आपके लिए अक्टूबर का महीना हर लिहाज से। कुछ ज्योतिषीय उपाय भी दिए हैं जो आपके लिए बेहद कारगर हो सकते हैं। बाकी कौन कौन से तीज त्यौहार है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होने वाला है, जब जब ये तीज त्यौहार आएंगे, ग्रहों का गोचर होगा, तब तब उससे जुड़ी वीडियोज के द्वारा जानकारी हम आपको अपने चैनल पर देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ बने रहिए। ये तो 30 दिनों की बात हुई, हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए दैनिक राशिफल का भी वीडियो लेकर आती हूँ। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। उस वीडियो में हर दिन को कैसे बेहतर बनाना है उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। उम्मीद करती हूँ और प्रभु से यही कामना रहेगी, क्योंकि नवरात्रि भी है इस महीने में, तो बहुत ही पावन महीना है। माँ दुर्गा से प्रार्थना करके आप अपनी हर जो है परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो यही प्रार्थना रहेगी माँ दुर्गा से कि आपके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आप भी कोशिश कीजिएगा कि किसी के जीवन में कोई बदलाव ला सके तो ज़रूर लाइए। अच्छे कर्म कीजिए, कर्मा में बिलीव कीजिए। अच्छे कर्म करेंगे तो फल आज नहीं तो कल आपको अच्छे ज़रूर मिलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे अभी विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक आपको पता है क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना और देखते रहना है एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।